दोस्तों भारत में आए दिन फोन कॉल फ्रॉड वारदातें हर रोज हो रही है और लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। कुछ लोग है बैंक का सहारा लेके बात करते हैं और कुछ लोग है बड़ी बड़ी जो पॉपुलर कंपनी है उसका सहारा लेके बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी पेनियर वाई के कस्टमर हैं यानी रिटेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके लिए खास ज़रूरी बातें हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। वो पेनियर वाई के कंपनी के कर्मचारी बन के बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इन बातों से थोड़ा सा बच के रहें क्योंकि आपका पैसा वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से वो फ्रॉड करते हैं। हेलो सर, आवाज कट रही है। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मिस्टर अंकुश। हाँ जी, पंकज श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ सर, पेनियर बैंक से। हाँ बोलिए। कोई प्रकार का कॉम्प्लेंट किया था सर आपने ट्रांजैक्शन या कमीशन को लेकर के? हाँ हाँ कम्प्लेंट किया था। क्या दिक्कत हुआ था सर? उसमें पेमेंट नहीं आया। कौन सा बैंक का? अपने पंजाब नेशनल बैंक। तो आप रिटेलर हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर? डिस्ट्रीब्यूटर हैं ना आप? नहीं रिटेलर हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर आप, गलत बोल रहे हैं सर। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटर मेरा भाई है बड़ा वाला। अच्छा, बड़ा वाला भाई है ना। ओके हाँ। तो इशू क्या बताया आपने? वो पेमेंट कट गया अकाउंट से, पेमेंट वापस नहीं। कितना अमाउंट था वो? 3,000 रूपए का। ओके सर, पर डे का ट्रांजेक्शन क्या है आईडी से? आईडी का 10-12 हजार रूपए। 10-12 हजार। ओके, अभी आपका ट्रेड बैलेंस वैलेट बैलेंस? अभी तो मैं भाई ने सब निकाल लिया पेमेंट। ओके सर, तो जैसे आपके भाई के अंडर में ऑल टोटल कितने रिटेलर हैं? उनके होंगे ना 300-400 रिटेलर है। 300-400 रिटेलर। सबसे बढ़िया अभी ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है अभी? मिनिमम पर डे 1 लाख तक का? 1 लाख तक का मेरा भाई करता है। आपके भाई ही? मतलब आपके खुद वही डिस्ट्रीब्यूटर? हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूटर। ओके सर, मतलब रिटेलर का मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ रिटेलर तो मैं काम करता हूँ, 10-12 हजार रूपए का करता हूँ। और आप ही के तरह और कोई दोस्त वगैरह यूज करता है जो पर डे बढ़िया ट्रांजेक्शन करता है? हाँ हाँ वो भी। वो कौन भी है? तो एक है ना बंदा है। नाम क्या है? उसका नाम विजय है। विजय? हाँ। ओके सर, कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए उनका। मेरे अंदर भी पड़ा ना अभी 12-12 हजार रूपए पड़ा वॉलेट बैलेंस। तो देखा फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपना डाटा किसी को भी ना दें, वरना आप अपना पड़ा बैंक में पैसा खो सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सावधानी पूछेंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। और आप है ना मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।